हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल गैजेट्स मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले कुछ ही दिनों में आपको फ्लिपकार्ट पर बिग बचत धमाल सेल दो बार देखने को मिली और दोनों बार ये सेल लगभग सेम थी। केवल सेकंड वाली सेल में आपको थोड़े से टेक गैजेट पर डिस्काउंट देखने को मिले थे, जिसके बारे में मैंने एक वीडियो में बताया था। लेकिन दोस्तों, फ्लिपकार्ट पर अब दोनों सेल खत्म होने के बाद में तीसरी सेल आ चुकी है एंड ऑफ सीजन सेल के नाम से। तो इस सेल के अंदर आपको क्या कुछ ऑफर देखने को मिल रहे हैं और क्या आपको यहाँ से परचेसिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यहाँ पर कुछ कार्ड ऑफर भी आपको देखने को मिल रहे हैं, यानी कि आईसीआईसीआई बैंक के कार्ड पर आपको डिस्काउंट भी देखने को मिल रहे हैं। तो किस कैटेगरी में आपको कितना डिस्काउंट देखने को मिल रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। और इस सेल के दौरान आपको किस किस कैटेगरी के आइटम परचेस करना चाहिए, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो फटाफट से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां पर आपको टाइम टाइम पर ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलते रहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करें एंड ऑफ सीजन सेल के डेट की, तो यहाँ पर 8 तारीख से सेल स्टार्ट हो चुकी है और 12 दिसंबर तक आपको देखने को मिलेगी, यानी टोटल 4 दिन की सेल ये रहने वाली है। और यहाँ पर इस सेल के अंदर कुछ डिस्काउंट्स और कैटेगरीज पर ऑफर्स की बात करें तो अभी जो पिछली दो बिग बचत धमाल सेल आपको देखने को मिली, सेम वैसी ही ये सेल है। फैशन रिलेटेड है, पूरी की पूरी सेल फैशन पर फोकस्ड है। यहाँ पर मैं साइड में अपने मोबाइल की स्क्रीन लगा देता हूँ और यहाँ पर अपन देखते हैं कि क्या कुछ आपको कार्ड ऑफर देखने को मिल रहे हैं और आपको किस किस कैटेगरी में यहाँ पर शॉपिंग करना चाहिए और किस किस कैटेगरी के लिए आपको अभी रुकना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने अपने मोबाइल की स्क्रीन को लगा दिया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले ही आपको ऊपर पोस्टर देखने को मिल रहा है एंड ऑफ सीजन सेल इज लाइव के नाम से। यहाँ पर हम इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने पूरी की पूरी कैटेगरीज निकल करके आ जाती हैं। यहाँ पर सबसे ऊपर सेल का पोस्टर है और वही तीनों चीज़ें आपको यहाँ पर दिख रही है जो कि पिछले सेल में देखने को मिलती थी, इजी रिटर्न्स वगैरह ये सारी चीज़ें। इसी के नीचे आपको यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक के डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर ऑफर्स देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर मैं इस कार्ड वाले सेक्शन पर क्लिक करता हूँ और जैसे ये ओपन हो जाता है, यहाँ पर आप डिटेल देख सकते हैं कि आपको कितना डिस्काउंट मिल रहा है। यहाँ पर मिनिमम कार्ड वैल्यू होनी चाहिए 1500 रुपये की। अगर आप 1500 रुपये का आइटम परचेस करते हैं, आपके कार्ड की टोटल वैल्यू 1500 रुपये हो रही है तो ही आपको डिस्काउंट मिलेगा। मैक्सिमम 10% होगा और यहाँ पर क्राइटेरिया भी दिया हुआ है कि क्रेडिट कार्ड पर आपको मैक्सिमम 500 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा और डेबिट कार्ड पर आपको मैक्सिमम 250 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। और यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है, डिस्काउंट पर क्रेडिट कार्ड और पर डेबिट कार्ड, यानी कि इस कार्ड से आप कितनी भी बार पेमेंट करें आपको मैक्सिमम 500 रुपये से ज़्यादा डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अगर क्रेडिट कार्ड है और डेबिट कार्ड है तो 250 से डिस्काउंट ज़्यादा नहीं मिलेगा। अगर आपने एक ही ऑर्डर पर 250 रुपये का डिस्काउंट ले लिया है तो दूसरे ऑर्डर पर आप इस कार्ड से डिस्काउंट नहीं ले पाएंगे। तो यहाँ पर अगर डिस्काउंट के नाम पर देखा जाए तो फ्लिपकार्ट टोटली हमारी बेइज्जती कर रहा है। 200-250 रुपये और 500 रुपये का डिस्काउंट होता है, कम से कम 750 या 1500-2000 रुपये तक का डिस्काउंट हो तो हम माने कि हाँ ये सेल है और आपको यहाँ पर अच्छा डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ पर कैटेगरीज देख लेते थे, जो पिछली सेल में थी वही कैटेगरी है। कपड़े आप परचेस कर सकते हैं, शूज़ वगैरह परचेस करना है तो वो परचेस कर सकते हैं, वॉचेस परचेस कर सकते हैं। यहाँ पर वॉचेस के सेक्शन पर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पर आपको काफ़ी ब्रांडेड वॉचेस भी देखने को मिल रही है, जैसे कि टाइटन, फास्टैग, केसियो, यूएस पोलो वगैरह, फॉसिल वगैरह, टाइमेक्स, सोनाटा, इन सभी पर आपको अच्छा डिस्काउंट देखने को मिलेगा इस सेल के दौरान। तो यहाँ पर नॉर्मली अगर हम इसमें से किसी भी ब्रांड की वॉच लेते हैं तो 1500 रुपये तक इजीली चली जाती है, इससे ऊपर ही जाती है। तो यहाँ पर आप वो जो क्रेडिट कार्ड से 500 या 250 का डिस्काउंट है वो अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको 150-200 रुपये का डिस्काउंट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा वॉचेस की रेंज काफ़ी अच्छी है, अगर आपको वेडिंग सीजन के हिसाब से वॉचेस परचेस करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बैकपैक परचेस करना है, यहाँ पर आपको लेडीज़ बैग है या जेंट्स बैग, ट्रॉली बैग वगैरह जो भी परचेस करना है तो उनके ऊपर भी अच्छा डिस्काउंट। इसके अलावा यहां पर किड्स वेयर या विंटर वेयर आपको परचेस करना है तो वो परचेस कर सकते हैं। तो ये चीजें आप इस सेल के अंदर परचेस कर सकते हैं, इससे ज्यादा मुझे इस सेल के अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि किन किन कैटेगरी के अंदर आपको बिल्कुल भी परचेसिंग नहीं करनी है, यहाँ पर आपको कोई खास डिस्काउंट देखने को नहीं मिल रहा। तो आपको अगर टीवी परचेस करना है, लैपटॉप परचेस करना है या स्मार्टफोन परचेस करना है, ऑडियो गैजेट्स या म्यूजिक सिस्टम परचेस करना है, नेकबैंड, TWS यानी कि टेक कैटेगरी के अंदर जो भी प्रोडक्ट आते हैं उन पर कोई भी डिस्काउंट नहीं है। अगर आपको परचेस करना है तो अभी आपको रुकना है, क्योंकि जो बिग सेविंग डेज है वो सेल बहुत ही जल्दी आने वाला है। अभी आपको कोई भी न्यूज़ नहीं मिली है लेकिन डेफिनेटली इस महीने में एक बार वो सेल जरूर आएगा। और इसके अलावा यहाँ पर आपको कार्ड पे भी अच्छा खासा 1000-1500 रुपये तक का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो इस सेल में अगर आपको परचेस करना है तो केवल फैशन से रिलेटेड प्रोडक्ट आप परचेस कर सकते हैं। टेक कैटेगरी के लिए आपको बिल्कुल भी परचेसिंग नहीं करनी है अभी। अभी अगर आप परचेसिंग कर लेंगे टेक कैटेगरी के अंदर तो मेरे हिसाब से आप बाद में पछताएंगे। तो उम्मीद है दोस्तों, ये जो मैंने जानकारी दी है ये आपको पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ में और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।